बिलासपुर में आज सुबह सुबह दो सड़क हादसे पेश आए। स्वारघाट में एक बस पहले बीच सड़क पर पलट जाती है, जिसके बाद पुलिस वहां पर बचाव अभियान शुरू करती है और सड़क पर वाहनों को फिलहाल रोक देती है। लेकिन एक प्राइवेट बस को जब रोकने की कोशिश की जाती है तो वो वहां पर नहीं रुकती और तेज गति से आगे बढ़ जाती है। पुलिस के जवान जब तक आगे अपने अधिकारियों को सूचित करते, इससे पहले ही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर बताई जा रही है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, जबकि 14 से 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जो एक और हादसा पेश आया, उसमें महाराष्ट्र के पर्यटक बताए जा रहे हैं। बस मनाली से अमृतसर जा रही थी। दरअसल स्वारघाट के गरामोड़ा पर रविवार सुबह पर्यटकों की एक बस बीच सड़क पर पलट जाती है। इसके अलावा ये बस जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेड़ से जा टकराई। दोनों ही बसें पर्यटकों की थी। तीन या चार आदमी बस में जख्मी थे, जो PB01A 99-12 बस की पहले वो पलटी। इसके बाद जैसे हम उसके राहत का कार्य कर रहे थे, इसी दौरान एक ऊपर हमने जो हाईवे है उसको क्लोज कर रखा था, उसको मान लो बोलते हुए भी आज जो वहाँ हाईवे के आदमी खड़े थे, हमारा पुलिस वाला भी खड़ा था, इसको हाथ दिया बस को रोकने के लिए, लेकिन इसने रोका बड़ी स्पीड से आके नीचे, यहाँ इसने बस इसमें लटका दी खान के। इसमें से जो बंदे हैं सभी को सुरक्षित निकाल लिए बाहर, इसमें किसी को कोई चोट नहीं, लेकिन इस बस के नीचे ऐसा लगता है कि एक लड़की की चपेट में आई, उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे, बाकी इसमें कार्रवाई कर चलती है।